डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। आज की इस वीडियो के माध्यम से अपना जो हमने स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की बात करी थी, किस स्टेट में कितनी यूनिवर्सिटी है, इसका सेकंड वीडियो आ चुका है महाराष्ट्र स्टेट के रिगार्डिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन कौन से कोर्स यहाँ पे चलते हैं और कितनी फीस स्ट्रक्चर रहने वाली है, कितने सब कैंपस है। आज की इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आप चैनल पे नए हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ महाराष्ट्र के अंदर MPKV राउरी, डॉक्टर PDKV अकोला, VNKV जो कि परभणी, डॉक्टर BSKKV धापोली डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी ये आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो नहीं मान सकते, बट इसके अंदर आपकी फिशरीज़ और डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स चलता है इसके अंदर, जो कि ICAR के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है। इसके अंदर मैं बात करूंगा कोर्स फीस स्ट्रक्चर, मेन कैंपस, सब कैंपस, नंबर ऑफ सीट्स, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, जो कि महाराष्ट्र की टॉप यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर कौन कौन से कोर्स चलते हैं, कितनी फ़ीस है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, क्या फैसिलिटीज़ है, देखते हैं। यहाँ पे कोर्स की बात करूँ तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर और BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स चलता है, ठीक है। उसके बाद मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँगा तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर 120 सीट्स है। BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 13 सीट्स है। हाँ, एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी स्टूडेंट्स ICAR के बारे में कुछ भी पता नहीं, काउंसलिंग कैसे होती है सर, और इस बार की मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँगा तो इन कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी हर कोर्सेज के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए सेंज है। तो आपको यदि नीड है, सर हमें नहीं पता कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कोर्सेज है, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हो, आपको कोई फोर्स नहीं है। यदि आपको ज़रूरत है, आप ज़रूरतमंद हो, नीडी स्टूडेंट हो, तो ही ज्वाइन करो, जिसमें हम आपको कंप्लीट काउंसलिंग करके देंगे हमारे खुद के द्वारा। उसके बाद में आपको कंप्लीट डेली गूगल मीटिंग के माध्यम से भी आपको गाइड किया जाता है कि कौन सा कोर्स बेटर है। कोई स्टूडेंट ये होता है मैं तो फॉरेस्ट्री लूंगा, नहीं, हम आपको गाइड करेंगे कि आपको फॉरेस्ट्री लेना है तो क्यों लेना है, एग्री लेना है तो क्यों लेना है, ठीक है। वो भी पास आउट सीनियर्स जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है या आपके एग्रीकल्चर के अंदर ऑफिसर पोस्ट पे हैं, उनसे गाइड करवाएंगे आपको। और उसके बाद मैं बात करूंगा आपका एडमिशन होने के बाद में कंप्लीट स्टडी मटेरियल, आपकी डिग्री तक हम आपको कंप्लीट भेजते रहेंगे, और आपको कैसे पढ़ना ये भी आपको बताया जाएगा, वो भी रेफरेंस बुक के द्वारा। तो जिनको भी नीड है, आज ही ज्वाइन कर सकते हो हमारा पेड काउंसलिंग। उसके बाद में मैं बात करूंगा MPKV राउरी के जो दोनों कोर्स हैं इनकी फीस स्ट्रक्चर, तो आपकी 41,450 फर्स्ट ईयर के अंदर लगने वाली है। उसके बाद में रिमेनिंग जो भी ईयर है उनके अंदर आपकी 34 से लेके 35, ये फीस अभी का है, हो सकता है फीस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, तो अभी का ये फीस है। इसमें आपका हॉस्टल प्लस कॉलेज का फीस इंक्लूड है, आपका फूड चार्ज इंक्लूड नहीं है, वो आपका 3,000 से 4,000 के बीच में आता है, वो आपका अलग रहेगा। उसके बाद में आप कैंपस देख सकते हो MPKV राउरी का, ये आपका यूनिवर्सिटी का कैंपस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ इसके अंदर आने वाली कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर शिवाजी नगर पुणे, जो कि इस यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप है और महाराष्ट्र की काफ़ी टॉप कॉलेज है, ठीक है। इसका कैंपस आप देख सकते हो, ये पुणे के अंदर है, इसके अंदर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर पुणे जो कि पुणे के अंदर चलता है, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो कि कोर्स है आपका राउरी के जो यूनिवर्सिटी वाला कैंपस है उसके अंदर चलता है, ठीक है। दूसरा मैं कॉलेज की बात करूंगा जो कि कोल्हापुर के अंदर है, आप इस कॉलेज को देख सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ICAR के थ्रू जाते हैं। उसके बाद में मैं बात करूंगा धुले का कॉलेज भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, BSc एग्रीकल्चर के बच्चे यहाँ पे जाते हैं। नंदरबार के अंदर भी ICAR का एक्रेडिटेशन है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के बच्चे जाते हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। उसके बाद में जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं एट टाइम BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, वो हमारी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला। इसके अंदर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँगा तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज़ की फीस ऑलमोस्ट सेम ही है, 99%, कुछ की अलग हो सकती है, आप फीस देख सकते हो, मैंने पहले ही बताई, जिसमें हमारा खाना का चार्ज अलग है, बाकी हमारी फीस ये पूरी वन ईयर की मान सकते हो, फर्स्ट ईयर में ज़्यादा लगने वाली, बाकी रिमेनिंग ईयर में कम लगने वाली है। यहाँ पे मैं या कोर्सेज की बात करूँ कि PDKV कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है, कितनी कितनी सीट्स हैं, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की 63 सीट्स हैं, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे 12 सीट है, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री की 11 सीट्स है, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 12 सीट्स है, BTech बायोटेक्नोलॉजी की 11 सीट्स है।
उसके बाद में मैं बात करूंगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अकोला के अंदर कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड करता है अकोला कैंपस, जो कि यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस ही मान सकते हो। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये कोर्स ऑफर करता है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो कि नागपुर के अंडर है सिचुएटेड, इसके अंदर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ओनली फॉर वन कोर्स चलता है, बाकी कोर्स अंदर उसके मेन कैंपस में और कैंपस है। उसके बाद में मैं बात करूंगा कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गढ़चिरौली के अंदर है, यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स रनिंग है। उसके बाद में यवतमाल एंड अमरावती के अंदर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स भी चलते हैं, तो इन स्टूडेंट को मेन कैंपस भी मिल सकता है, ये कैंपस भी मिल सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करूंगा वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी के अंदर है, परभणी का जो यूनिवर्सिटी है कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है कितनी सीट्स के साथ, तो देख लेते हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 120 सीट्स, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर 12 सीट, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 16 सीट्स, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी 10 सीट्स, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी 16 सीट्स, कम्युनिटी साइंस 12 सीट्स। उसके बाद में मैं बात करूंगा इसके अंदर आने वाले कैंपस। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो कि परभणी के अंदर है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लातूर के अंदर है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बदनापुर डिस्ट्रिक्ट जालना के अंदर है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अंबाजोगी डिस्ट्रिक्ट बीड के अंदर है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ओस्मानाबाद के अंदर है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो कि हिंगोली के अंदर है। ये तो हो गए आपकी परभणी की यूनिवर्सिटी है इसके अंडर में आने वाले आपके बीएससी एग्री के, तो सभी जगह चलते हैं और कुछ कोर्सेज मेन कैंपस में चलते हैं और बाकी कोर्सेज यहाँ पे अदर कैंपस में भी आपके रनिंग है। उसके बाद में मैं बात करूँगा डॉक्टर बाला साहिब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ धापुरी डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी, यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की है। इसके अंदर कोर्सेज की बात करूँ तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 24 सीट्स के साथ चलता है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 12 सीट्स के साथ, बीएससी फॉरेस्ट्री 6 सीट्स के साथ, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर 12 सीट्स के साथ। हाँ, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दोबारा से बता देता हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स को नीड है, हाँ महाराष्ट्र का जो भी हम तो बताएंगे, लेकिन और भी स्टूडेंट्स को ये जानना चाहिए कि सर मुझे इस कैंपस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो आपकी रियलिटी की जानने के लिए, और आपको कंप्लीट काउंसलिंग हम खुद से करके देंगे, स्टडी मटेरियल आपको गाइड करना कौन सा कोर्स बेटर है, जिसके लिए हमारी पेड काउंसलिंग स्टार्ट है, जिसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फ़ीस 499 है। हमारी पेड काउंसलिंग सबसे यूनिक है, जितना हम कंटेंट यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा देते हैं उतना तो हम दूसरे पेड काउंसलिंग वाले अपने पेड काउंसलिंग में भी नहीं दे पाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमारी पेड काउंसलिंग के लिए अंदर आपको जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर सेलेक्टेड हैं उनसे ही आपका सेशन कंडक्ट करवाया जाता है, हम तो करते ही, उनके साथ साथ वो भी आपको गाइड करेंगे। तो डेफिनेटली जिनको भी नीड है वो स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, कोई फोर्स नहीं है किसी को भी, ठीक है। उसके बाद में मैं इसके अंदर आने वाली बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो कि दापोली के अंदर है। उसके बाद में मैं आपको एक और यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ, महाराष्ट्र एनिमल साइंस फिशरीज एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी जो कि नागपुर के अंदर है। इसको आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कैंपस है, आपका एक लेक है उसके किनारे पे ये कैंपस है, बहुत ही अच्छा है, हम भी घूमने जाते हैं यहाँ से। तो इसके अंदर कोर्स की बात करूँगा तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी की 13 सीट्स है, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस के अंदर ओनली गर्ल्स 13 सीट्स है। फीस स्ट्रक्चर की बात करूँगा इसकी तो 9,750 रुपये, ये एक वन ईयर की है और इसकी सबसे कम फीस है। जिन भी स्टूडेंट्स को नीड है फिशरीज साइंस में और डेयरी टेक्नोलॉजी में आने की, तो इस कैंपस में आ सकते हो, बहुत ही अच्छा कैंपस है। हाँ, आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप सोच सकते हो कि भाई आपका शेयर करना फर्ज बनता है। डेफिनेटली मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।